इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप बारीक पीसी हुई शक्कर डालेंगे। अगर आपके पास शक्कर का पाउडर नहीं है तो आप शक्कर को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस सकते हैं, नहीं तो आप शक्कर के दाने भी डाल सकते हैं। 1/4 कप पानी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो शक्कर का पाउडर है वो अच्छे से घुल जाए। मैंने शक्कर के दाने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि उन्हें घुलने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने शक्कर का पाउडर लिया है। देखिए शक्कर पाउडर और पानी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में हम 1 कप बारीक वाली सूजी डालेंगे। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप सूजी को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लीजिए, सूजी को रवा भी कहा जाता है। 1/4 कप मैदा डालेंगे, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच खसखस के दाने डाल देंगे। अगर आपके पास खसखस के दाने नहीं हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच घी डालेंगे, घी हम मोयन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे स्नैक्स बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन स्नैक्स को आप त्योहारों पर भी बना कर रखें, खाने में ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी लगते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने जो शक्कर का घोल तैयार किया था उससे हम इसका डो तैयार करेंगे। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। शक्कर के घोल को आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो डो बहुत जल्दी गीला भी हो सकता है। डो को बाइंड करने के लिए मैं 1/4 कप मैदा और डाल रही हूँ ताकि डो अच्छे से बाइंड हो जाए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। मैंने जितने शक्कर का घोल तैयार किया था उतना मुझे पूरा यूज़ हो गया है। देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से बाइंड करते हुए डो तैयार कर लिया है। अब डो को हम 15 मिनट तक कवर करके रख देंगे। हमने सूजी का डो तैयार किया है इसलिए सूजी को फूलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। 15 मिनट हो गए हैं, डो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम मसल मसल कर और भी चिकना कर लेंगे। डो को मसल मसल कर मैंने और भी चिकना कर लिया है। अब डो में से हम बॉल जितना पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने लोई बना ली है। लोई को बेलने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है, अब इसे हम बेलेंगे। इसे हमें ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला, बस अब इसे हम इतना ही रखेंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस आपको पता चल रही होगी। अब इसे हम कट करेंगे, आप अपने मनचाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। एक बार आप भी इस रेसिपी को बनाकर देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब कटे हुए पीसेस को उठाकर हम प्लेट में रखेंगे। इस तरह से मैंने सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने जो स्नैक्स बनाए हैं उसे हम कढ़ाई में डालेंगे। जितने कढ़ाई में स्नैक्स आ जाएंगे हम उतने ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और बाद में स्लो टू मीडियम कर देंगे। स्नैक्स को कढ़ाई में डालते से ही तुरंत झारा ना लगाए, नहीं तो स्नैक्स फैल जाएंगे। इन्हें हम पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते रहें। स्नैक्स को मैंने पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये देखिए इनका कितना अच्छा कलर आया है। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं
और बाकी के सारे स्नैक्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, मुंह में घुल जाने वाले सारे स्नैक्स मैंने तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।